स्वदेशी डिजिटल प्लेटफॉर्म को बढ़ावा देने के लिए नेक्स्ट मनी ने दिल्ली में ग्रोथ समिट का आयोजन किया। मौका था नेक्स्ट मनी की 8वीं एनिवर्सरी का। बता दें कि नेक्स्ट मनी ग्रोथ समिट दिल्ली के सिरी फोर्ट ऑडिटोरियम में आयोजित की गई थी और इस प्रोग्राम में कंपनी के सभी डायरेक्टर, लगभग 1000 लीडर्स जिनमें क्राउन डायमंड, डायमंड लीडर, गोल्ड लीडर, कंपनी मेंटर और कोच और भी बहुत से पदाधिकारी शामिल हुए थे। इस ग्रोथ समिट में मुख्य अतिथि के रूप में क्रिकेटर सुरेश रैना भी उपस्थित रहे थे जिन्होंने प्रतिभाशाली लीडर्स को सम्मानित किया। इस मौके पर इंटरव्यू के दौरान सुरेश रैनी ने अपनी कुछ व्यक्तिगत बातें भी शेयर की। उसके अलावा जीवन के उतार चढ़ाव और क्रिकेट करियर के बारे में भी सुरेश रैना ने बताया। साथ ही कंपनी के सभी लीडर्स को हमेशा प्रोत्साहित बने रहने के लिए और प्रोत्साहित करते रहने के लिए, हमेशा जोश के साथ अपने काम में लगे रहने के लिए भी उन्होंने प्रेरित किया। उन्होंने कंपनी के भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी। आपको बता दें कि नेक्स्ट मनी एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो कि बेरोजगारी हटाने के लिए देश में एंटरप्रेन्योर पैदा करने के काम में लगी हुई है और हजारों लोगों को कमाने का साधन उपलब्ध करा चुकी है। आज कंपनी के लगभग 40 लाख एक्टिव नेक्स्टप्रेन्योर मौजूद हैं और ये कंपनी लोगों को घर बैठे अपना व्यवसाय करने का भी मौका देती है और उन्हें एंटरप्रेन्योर बनने के लिए प्रोत्साहित करती है। कंपनी के चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर अभिषेक कुमार बर्मन और कंपनी के चीफ मेंटोर डॉक्टर राजेश सिंह जी, कंपनी की एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर शबनम प्रवीण ने महिलाओं को डिजिटली आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया। जो अनएम्प्लॉयमेंट है उसको देखते हुए मैंने नेक्स्ट मनी का एक कॉन्सेप्ट सोचा और ये सोचा और ये तय किया है, ये विज़न रखा है कि आने वाले समय में कम से कम इंडिया की 10% पॉपुलेशन को हम एम्प्लॉयमेंट पहुंचा सके अलग अलग वेंचर के थ्रू। जैसे हमारी वेलनेस की वेंचर है, एग्रो की वेंचर है, हम वेलनेस एडवाइज़र बना रहे हैं और टोटल कुल मिला के हम एक नेक्स्ट प्रेनियर क्रिएट करना चाहते हैं। हमने कंपनी 2013-11-12-2013 को स्टार्ट किया था। वहाँ पर हमने देखा कि सभी ऑनलाइन बेसिस पे सर्विस प्रोवाइड कर रहे थे बट उनका खुद का कुछ अपना प्रोडक्ट नहीं होता था। तो हमने वहाँ से एक सोच निकाली कि नहीं, हम ऑलरेडी बहुत सारे एप्लीकेशन वगैरह ये ट्रेडिशनल बिजनेस कर रहे थे तो हम खुद का क्यों ना डेवलप करें। और उसमें हमने एक प्लान किया कि पिन से लेके प्लेन तक का हर चीज़ हम लाएंगे उसमें। और देखा जाए, अभी देखते देखते इतने साल बीत गए और 35 लाख प्लस यूज़र हमारे हो गए। नमस्कार।